द टेल ऑफ आउटकास्ट विंटर 2023 का इकलौता डीमन रिलेटेड एनिमे, वरना मेजॉरिटी में देखा जाए तो लास्ट सीजन वॉज अ रोमांटिक सीजन, चाहे वो तोमोचान इज अ गर्ल हो या फिर द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटेन। द टेल ऑफ आउटकास्ट इज अ फरी एनिमे। अगर आपको नहीं मालूम व्हाट आर फरी एनिमेज, देन इफ यू हैव वॉच्ड एनिमेज लाइक ऑड टैक्सी, BNA, बी स्टार्स, तो उसी तरीके के कैरेक्टर डिजाइन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। और इनके लिए एक अलग कैटेगरी भी है नेम्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक। तो इस सीरीज़ में हमारे डीमंस जो हैं उन्हें फरी काइंड ऑफ अ लुक दिया गया है, जिस वजह से जब आप उन्हें देखेंगे तो डीमन वाली वाइब तो आपको उनसे आएगी नहीं, पर जिस तरह से इन्होंने अपनी कहानी को प्रेजेंट किया है आपको लगेगा कि ये बहुत कुछ करने का ट्राई करते हैं। पर जब आप इसके पहले सीजन को ख़त्म करोगे यू विल बी लाइक व्हाट वाज द पॉइंट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब प्लॉट्स, इनफैक्ट मेन प्लॉट को सीजन वन में दिखाने की कोशिश की है, पर एक भी चीज़ को इन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है। मतलब किसी के भी गोल्स आपको बताए नहीं गए हैं सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर्स के। और इसका एनिमेशन भी कोई मस्त नहीं है, बेसिक है और स्मूथ है। आई प्लीजिंग एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा नहीं, पर जानते हो मैं इस एनिमे की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसका जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। भले ही एनिमे का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, पर इसके जो साइड कैरेक्टर्स हैं उन पर कुछ ज़्यादा ही टाइम दिया गया है। जब आप ये एनिमे देखोगे तो कुछ एनिमेज आपको याद आएंगे, लाइक द एंशियंट मेगस ब्राइड एंड फेट सीरीज़। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्लॉट की। कहानी रिवॉल्व करती है विस्टेरिया के ऊपर, जो एक अनाथ होती है और उसे भीख मांगना पड़ता है। अगर वो काम वो अच्छे से नहीं कर पाती तो उसे चर्च के फादर खाना नहीं देते। पर एक दिन भीख मांगते मांगते उसकी मुलाकात एक डीमन से होती है नेम्ड मारबास, जो कि ऐसे ही फ्रीली घूम रहा होता है क्योंकि वो अपनी डीमन वाली लाइफ से बोर हो गया था। पर उसे आश्चर्य होता है कि ये लड़की उसे कैसे देख पा रही है, तो वो उसे फॉलो करता है और जल्द ही उन दोनों में एक कनेक्शन सा बन जाता है। वो डीमन हर रोज़ उसे मिलने आता और एक कहानी सुनाता है जिससे कि वो लड़की रात को चैन की नींद सो सके। पर एक दिन उस चर्च के फादर उसे एक ज़मींदार के पास बेच देते हैं। शुरुआत में तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बाद में जब उसे पता चलता है कि वो बच्चों को टॉर्चर करता है तो वो उसके रेस्क्यू में चल जाता है। पर क्योंकि एक डीमन बिना पैक्ट के किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता, तो वो टूटने लगता है और आखिर में विस्टेरिया को अपनी आँखें कुर्बान करनी पड़ती है फॉर देयर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वही उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइज। और उसकी ये इच्छा होती है कि वो डीमन आखिर तक उसके साथ रहे। तो इसी तरह से इनकी जर्नी शुरू होती है और आगे कैसे उतार चढ़ाव आएंगे जानने के लिए देखिए द टेल ऑफ आउटकास्ट। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं। अब मुझे तो मालूम है गाइज कि आप ये सीरीज़ नहीं देखने वाले, तो मैं इसकी दुनिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ विद स्पॉयलर्स। इस एनिमे में गाइज आपको डीमंस दिखाए गए हैं और उन्हें रोकने के लिए है द नाइट्स ऑफ द स्वॉर्ड क्रॉस। वेल, डीमंस के भी अलग अलग रैंकिंग्स हैं। जो सबसे टॉप पे आते हैं उन्हें कहा जाता है द 13 कैलमिटीज़ ऑफ द वेस्टलैंड। मारबस भी उसी में से एक है। उसके बाद जो डीमंस आते हैं वो है हमारे अपर रैंक या फिर सेकेंड टीयर डीमंस, लाइक रोब डीमन, लिजार्ड डीमन एसेट्रा। उसके बाद आते हैं हमारे नॉर्मल डीमंस, जो दो टाइप के हैं, पहले है ग्राउंडर्स और दूसरे एरी। हमारे लास्ट और जो लोएस्ट लेवल है वो है प्योन डीमन, लाइक मॉरी। एक स्पेशल केस भी है विच इज़ फ्यूज़न, जिसमें मल्टीपल अपर रैंक डीमंस को किसी इंसान के अंदर डाला जाता है जिससे कि कोई भी 13 कैलोमिटीज़ उसे पोजेस कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मास्टर ऑफ द 13 कैलोमिटीज, ऑल्सो नोन एज द 3-eyed डीमन, पॉसिबली द मेन एंटागोनिस्ट, बट क्योंकि सीजन वन में सिर्फ उसे मेंशन किया गया है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बारी है हमारे स्वॉर्ड क्रॉस नाइट्स की। तो सबसे पहले आते हैं कमांडर, हुज नेम इज सोल एडम्स एंड ही वॉज पोर्ट्रेड एज अ मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट कम्स आवर कैप्टन नेम्ड ताकेनामी, जिनके साथ फ्यूजन वाला केस हुआ था और डीमंस ने बड़े अच्छे से उन्हें पोजेस किया था। नेक्स्ट कम आवर ग्रुप लीडर्स स्टैनली, शूरा, विवियन एंड लूसिया, जो डायरेक्टली कमांडर के नीचे काम करते हैं। एक सब्स्टिट्यूट कमांडर भी है नेम्ड इबेरता, जो कमांडर के ना होने पर बाकी स्वॉर्ड नाइट्स को गाइड करती थी। तो कैप्टन ताकेनामी के टीम में कालिम, केट और स्नो होते हैं। वेल, स्नो के और भी फ्रेंड्स हैं जो कि थे लूथर और जॉन, जिनसे वो अफगान वॉर में मिला था, एंड यू कैन ऑल्सो से दे वेयर क्लोज फ्रेंड। अब इन सब में जो सरप्राइजिंग कैरेक्टर निकल के आता है वो है शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। वरना बाकी सब चीज़ों को अगर आप देखें तो वो बहुत ही जेनरिक है। तो यही था इस दुनिया के बारे।
तो आई होप सो गाइस कि आपको ये एनिमे पसंद आए। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, वो है सुगर एप्पल फेरी टेल और सैक्रिफिशियल प्रिंसेस। तो मिलते हैं जल्द, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।